वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में हम प्रेजेंट वैल्यू सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले मीनिंग समझिए कि प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद मैं इन फॉर्मूले पे आऊँगा, फिर फॉर्मूला समझाऊंगा आपको। देखो बच्चे, प्रेजेंट वैल्यू किसे कहते हैं? आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है बच्चे? लाइक आपने क्या किया, आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया और एवरी ईयर आपको इस पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो आफ्टर 1 ईयर ये पैसा जब इसमें 10% आप प्लस करोगे तो यही पैसा अब आपका कितना हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर? 1100 हो जाएगा बच्चे, है ना? 100 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। फिर ऐसा 3 साल तक करते हो, फिर से इसमें 10% आप ऐड करेंगे तो अब यही पैसा आपका कितना हो जाएगा बच्चे? यही पैसा आपका 1210 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 10% आपका 110 हो जाएगा, ऐड करोगे तो 1210 हो जाएगा। फिर आप इसमें दोबारा से आप फिर इसमें 10% ऐड करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो है अमाउंट क्रिएट हो रहा है। तो 10% करोगे तो आपके पास फिर क्या जाएगा, 1331 हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो आपने इन्वेस्ट कितना किया था, 1000 रुपीज़। आफ्टर 3 ईयर्स कितना हो गया आपके पास में, ये आपका 1331 हो गया। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रिंसिपल क्या आपने इन्वेस्ट किया, जरा समझे। प्रिंसिपल क्या आपने इन्वेस्ट किया ये बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से आप आगे बढ़े थे और आपने टाइम 3 साल का लिया और उसके बाद एज अ अमाउंट आपको 1331 रुपये आपको बना। तो आपके पास में आपका प्रिंसिपल क्या था, प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है बच्चे? आपने कितने पैसे उसको आपने इन्वेस्ट किए थे, क्लियर है? तो उसका जो है प्रेजेंट वैल्यू क्या है कि अगर 10% के ग्रोथ रेट से कोई पैसा आपका 1331 रुपये 3 साल में हो जाएगा, क्लियर है, और हर साल 10% बढ़ रहा है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है? इसको दो एंगल, अलग अलग एंगल होते हैं, इसको हम बेसिकली इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कि जैसे आप सोचते हो कि भैया आपको इन फ्यूचर में 10 लाख रुपए मिलेंगे 20 साल के बाद LIC से, तो आप खुश हो जाते हो कि भाई 10 लाख रुपए मिलेंगे, 10 लाख कितनी बड़ी रकम होती है। अब आफ्टर 20 ईयर्स 10 लाख रुपए मिलेंगे हमें, लेकिन आप ये भी तो देखिएगा जब आप उस टाइम पे पहुंचेंगे तो क्या वो 10 लाख रुपए उतना इफेक्टिव रहेगा जितना आप उसकी इंपॉर्टेंस को देख रहे हैं आज की डेट में? नहीं। उस समय इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ रही होगी, तो वो जो आपका जो 10 लाख रुपए है उसका इतना इम्पैक्ट उस समय नहीं रहेगा। तो आज के टाइम पे अगर मैं बात बताता हूँ कि वो जो 10 लाख रुपए आपको इन फ्यूचर में मिलेगा, मान के चलो कि वो 10 लाख रुपए में, आज तो आपको लग रहा है कि 10 लाख रुपए बहुत बड़े अमाउंट है क्योंकि बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज आपके आ सकते हैं आज, पर उस टाइम पे उतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। तो वो 10 लाख रुपए आज के डेट पर ला के देखो तो उसके क्या मायने होते हैं, तो उसका क्या बोलते हैं हम, प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं उसको आप। क्लियर है बच्चे? 10 लाख रुपए की क्या इंपॉर्टेंस रह जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो आपको पता है क्या कि इसमें 10% ग्रोथ होकर के ये बना, तो ये प्रीवियस वैल्यू का 110% है ना? ये प्रीवियस वैल्यू का 110, क्योंकि हर वैल्यू अपने आप में 100% होता है, 10% ग्रोथ हुआ है तो प्रीवियस वैल्यू का 110% है, और 1% आ गया प्रीवियस वैल्यू का और इंटू 100 कर दिया प्रीवियस वैल्यू आ गई आपके, तो कितनी आई आपके पास, 1210 आ गया, ठीक है। उसके बाद आप ये भी देखते हो 1210 को कि जो 1210 रुपये है अपने प्रीवियस वैल्यू अपने आप में 100% है, उसमें 10% ऐड होकर के आया तो उसका 110% है, इंटू 100 करोगे तो उसका 1% इंटू 100 वो कंप्लीट प्रीवियस वैल्यू आ जाएगी आपकी 1100। और फिर इसी तरीके से इसको आप देखोगे कि 1100 रुपीज़ प्रीवियस वैल्यू का आपका 110% है और इंटू 100 करोगे तो आपके पास में प्रीवियस वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आप अपने पास्ट वैल्यू को आप ले आओगे। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि 1331 3 साल के बाद उतना ही काम कर पाएगी जितना कि आज की डेट में 1000 रुपये काम कर पाता है। तो आप 1331 रुपये को आप ये मत सोचिए कि इन फ्यूचर 3 साल बाद 1331 मिलेगा, तो आप ये मत सोचिए कि 1331 रुपये फ्यूचर में मिल रहा है तो इतनी सारी चीज़ें ले आएंगे। नहीं, आज की डेट में जो आप 1000 रुपये में जितना काम कर सकते हो 1331 रुपये में, उस समय पर आप 3 साल बाद उतना ही काम आप कर पाओगे। तो कोई वैल्यू इन फ्यूचर में ये वैल्यू है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू का मतलब यही है कि वो वैल्यू जो फ्यूचर में डेवलप हो रहा है
उस वैल्यू से आज के डेट पे अगर आप देखें तो आप कितना अमाउंट उससे आप क्रिएट कर पाएंगे, कितने आप गुड्स एंड सर्विसेज ले पाएंगे। आपका 3331 रुपये बन रहा है, बट अगर आप देखें उसके प्रेजेंट वैल्यू, मतलब ये हो गया उसके इंपॉर्टेंस आज के टाइम के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट के टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो 1331 इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। वो आज के डेट के अकॉर्डिंग देखें, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू देखें कि उसकी क्या भूमिका रहेगी, तो वो 1000 रुपये इतना ही काम कर पाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। इसको आप निकालते किस तरीके से हैं, निकाल किस तरीके सकते हैं आप इसको? सिंपल तरीका ये है आपके पास में, प्रेजेंट वैल्यू अगर आप निकाल रहे हैं तो आपके पास में आपको क्या करना पड़ेगा, एस ब्रैकेट 1 प्लस और आई रेस्ट टू पावर माइनस, आपके पास में जो यूज होता है लाइक एम, ठीक है बच्चे? तो सॉल्व करेंगे इसको आप, एस क्या है आपके पास में, 1331 वन प्लस आई 0.110 एंड माइनस 3, एंड सॉल्व करेंगे 1331 1.10 रेस टू पावर माइनस 3। क्लियर है बच्चे? अब पावर माइनस 3 है तो अब नेगेटिव पावर कैसे सॉल्व होता है, अब ये समस्या है आपके लिए, तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं। उसके बेस को आप रेसिप्रोकल कर दो, 1.10 बेस को, जिसकी पावर नेगेटिव है उसके बेस को आप रेसिप्रोकल कर दो। क्लियर है बच्चे? अब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1331 अपॉन, अब 1.10 की पावर 3 तो सॉल्व कर सकते हो ना आप, 1.10 इंटू इक्वल्स टू, ठीक है, जितनी पावर उससे कम, यहाँ पे 4 आ गया स्टॉप कर देंगे, 1.331 तो यहाँ पे 30 आ गया और ये आपका कट गया, तो क्या फिगर आया आपका, 1000 रुपये इसका वैल्यू आ गया। तो फॉर्मूला समझ में आया आपको बच्चे, फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ? क्लियर है? कोई डाउट आपको? ये बात समझ में आपको आई बच्चे? क्लियर है? तो आपके पास में 1.10 वैल्यू आपने लिखा और डिवाइड किया इनटू 1331, 1.10, ये समझ में आ गया आपको? पहले प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, एक सेकंड मैं आपका स्क्रीन स्टक कर रहा है, मैं एक सेकंड देख लेता हूँ। 1.10 डिवाइड 1-2 इनटू 1, ठीक है बच्चे? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो यही आपसे फॉर्मूला बता रहे हैं बच्चे कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो आपको अमाउंट ब्रैकेट 1 प्लस आई और रेस टू पावर आपके पास से माइनस एन रखना है। अगर वो कॉन्टिन्यूसली हो तो यहाँ पर आपके पास में अमाउंट ई रेस टू पावर माइनस आर इंटू टी। क्लियर है बच्चे? तो जो पावर है वो नेगेटिव यूज होगा, आर इंटू टी, टी मीन्स टाइम, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? और इस केस में आपके पास में पावर एन, ठीक है? चलो जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 500 रुपीज ड्यू 10 ईयर्स हैंस, फिर 10 साल के बाद एक पैसा 500 रुपये बन गया, तो वो 500 रुपये जो 10 साल के बाद बनेगा, वो उस समय 10 साल के बाद वो 500 रुपये कितना काम कर पाएगा आज के अकॉर्डिंग देखो तो? बोलोगे सर आप या 500 रुपये तो आज जो काम कर रहा है वही काम करेगा। अरे भैया महंगाई बढ़ चुकी होगी, 500 रुपये का उतना असर नहीं रहेगा, वो 500 रुपये कितना सामान खरीद पाएगा उस समय, बोलोगे 500 खरीद पाएगा, फिर से वही बात कर रहे हो यार बेवकूफों वाली। मैं बता रहा हूँ आपको, आज की डेट में लग रहा है कि 500 रुपये का क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन उस समय जब जाओगे तो आपको उतना सामान नहीं आएगा। तो आज के अमाउंट के अकॉर्डिंग बताओ कि आज के अगर वैल्यू देखते हो, आज का पैसा देखते हो, तो आज कितने रुपये के बराबर काम कर पाएगा उस समय का 500 रुपये? क्लियर है? इसे प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। तो आप एक हाफ ईयरली भी निकालना है आपने, और आपने कंटिन्यूअसली भी निकालना है। पहले आप हाफ ईयरली निकाल लीजिए, तो आपके पास में एज अ एस क्या है, एस आपके पास में 500 रुपीज है बच्चे, और आपके पास में टाइम क्या है 10 ईयर्स है, और आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% है, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना होगा, एम, एम कैसे निकालते हैं, ऑलवेज 12 डिवाइडेड बाय जितने मंथ का पीरियड होता है 2, एंड फार्मूला अप्लाई करेंगे आप
तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू एस ब्रैकेट वन प्लस आई रेस टू पावर एम और इनटू एम टी कर दो या एम एन कह दो, एम टी कर दो आप, ठीक है, एक बारी में दो बार टी सॉल्व करेंगे ये माइनस का आएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 500 रुपीस वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी आपको क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली होता है आपको, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एनुअल करना पड़ेगा। समझ में आया बच्चे आपको, एनुअल कैसे करेंगे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को, वो देखो फॉर्मूला में अप्लाई कर दो ना, अपॉन एम रहता है हमारा फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या है 500 प्लस 1 आई क्या है हमारे पास में 0.10 अपॉन एम 2 रेस टू पावर माइनस 2 इंटू टाइम क्या हमारा 10 ईयर है। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू 500 एंड ब्रैकेट 1 प्लस 0.05 रेस टू पावर माइनस 20, ठीक है बच्चे, एंड सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल इक्वल्स टू 500 ब्रैकेट 1.05 रेस टू पावर माइनस 20 एंड प्रिंसिपल इक्वल्स टू, अगर आप सॉल्व करते हैं बच्चे तो क्या होगा 500 इंटू 1 अपॉन रेसिप्रोकल हो जाएगा नहीं 1.05 रेस टू पावर 20 एंड प्रिंसिपल इक्वल्स टू 500 एंड अपॉन, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो ना आप, 1.05 है एक इंटू एंड इक्वल्स टू प्रेस करो जब तक यहाँ 20 है तो 21 नहीं आ जाए। तो ये तो मैंने बहुत सिंपल कैलकुलेटर से करना सिखाया हुआ है आपको, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्या आया आपके पास में 2.6532 एंड प्रिंसिपल इक्वल्स टू 500 अपॉन 2.6532। तो आज के डेट में जो 188 रुपये से आप जो काम ले सकते हो उस समय जाकर के 500 रुपये आपका इतना ही काम आएगा, इतना ही उससे काम ले पाओगे। क्लियर है, ये समझ में आया आपको, कोई डाउट बच्चे? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। देखो बच्चे कॉन्टिन्यूसली केस कैसे करेंगे, सेम आपका अमाउंट कितना बन गया 500 रुपीस बन गया आपका, टाइम आपका बच्चे 10 ईयर है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, बस कॉन्टिन्यूसली कह रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू एस ई रेस टू पावर माइनस आर इंटू टी एंड प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू एस आपका 500 रुपीस है इंटू ई रेस टू पावर माइनस आर 0.10 इंटू टी 10 एंड प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 500 इंटू ई रेस टू पावर माइनस 1 हो गया ये आपका एंड पी इक्वल्स टू 500 इंटू पावर को पहले पॉजिटिव करेंगे तो ई रेस टू पावर 1 हो गया। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? तो खैर इसको आप e के फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको e टेबल तो मिलेगा नहीं, e रेस टू पावर माइनस 1। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? तो इसको आप ऐसे भी छोड़ दीजिए।